सुना कि नगर सेवक जयकांत साहब आज की न्यूज़ चैनल पर एक इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे हम मुलाकात लेते हैं कि ये जो 5 साल है, ये 5 साल में बहुत से लोगों ने सवाल उठाया है कि जबकि विरोधी पक्ष नेता कैसा होता है, गठ नेता की विरोध करना है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ वहाँ उनका विरोध होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल उठाया है कि जैसा कि अब महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये मिलकर आघाड़ी बनाए इसे, लेकिन यहाँ पर जो किनवट में नगर पालिका में है, ये एक आघाड़ी अलग है और भाजपा की पार्टी अलग है, तो इसमें जहीर खान साहब विरोध क्यों नहीं किए, ये सवाल बहुत सारे किनवट के निवासी कर रहे थे। मैंने एक न्यूज़ डाली थी उसके बारे में, फिर जहीर खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, आज मुलाकात हुई और क्योंकि आज मीटिंग थी आज, तो इसके बारे में बताइए कि क्यों नहीं विरोध किया गया है। इतना बहुत कुछ 5 साल में आपको बहुत से चीज़ों का विरोध करना चाहिए था, नहीं किए, तो इसके बारे में बताइए आप। सभी किन्नौर शहर के जनता को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मुझ पर ये जो आरोप है ये बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि जनता ने हमको जो चुनकर दिया है ये गांव के शहर के विकास के लिए और लोगों को नगर पालिका में अड़चन न हो, इसलिए कि हर काम लोगों का आसान हो जाए और रास्ते है, नाली है, लाइट है और भी जो सामाजिक काम होते हैं जो नगर परिषद का दायित्व होता है उसके लिए हमें जनता ने चुन कर दिया था, न के सिर्फ विरोध करते बैठने के लिए चुन कर दिया। इस वजह से मैंने और मेरे सभी राष्ट्रवादी के नगर सेवकों ने हमने एक बात तय की कि जहाँ पर भी विकास का मुद्दा है, जनता के हित का मुद्दा है और समाज के हित का मुद्दा है, वहाँ पर हम भले यहाँ पर बॉडी भाजपा की हो या और कोई पक्ष की हो, हम कोई पक्षपात नहीं करते हुए उनको हर विकास काम में हमने मदद की और उनके ऊपर उन्होंने जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पर उसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और जहाँ जहाँ पर जनता के हित के खिलाफ काम होने वाला था उस काम को हमने रोका। लेकिन दोस्तों, राजकारण के वरद हस्त के वजह से कुछ काम ऐसे हुए जो हमारे पावर से भी बाहर के थे, उसके अंदर हम ना तो विरोध कर सकते थे ना हम उसके इस सपोर्ट में जा सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल गांधीनगर को बड़ी बेदर्दी से तोड़ा गया और मार्केट में भी कई बेरोजगार लोगों के दुकानों को बहुत बेदर्दी से तोड़ा गया, वो मीटिंग के अंदर भी हमने मुद्दा उठाया और अध्यक्ष साहब और बाकी भी जो नगर सेवक हैं जिनके पास में आज भाजपा के पास में बहुमत है, हम उनके सामने ये बात रखी है और इस प्रकार से हमने हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। और दोस्तों, मैं प्रभाग नंबर 5 का नगर सेवक हूँ और प्रभाग नंबर 5 में जितना भी लोगों के नगर पालिका से कंसल्टेड काम होते हैं मैंने पर्सनली टेबल पर बैठकर हर टेबल पर जाकर लोगों के काम पूरे करके दिया हूँ और रास्ते, नाली, लाइट का मैं 24 घंटे ख्याल रखता हूँ और जो भी काम होता है मुझे एक मामूली बच्चा भी फ़ोन करता है कि मेरा ये काम है, मैं पर्सनली जाकर काम करता हूँ। हो सका वहाँ तक मैं मेरे प्रभाग के लोगों का घर पहुँच काम करके दिया हूँ और बकाया गांव के विकास के लिए जो जितना बनता है उतना मैं
सहकार्य करते हुए गांव का विकास करके लेने में मैं कामयाब हूँ। आज तक मेरे प्रभाग के अंदर जैसे कि प्रधानमंत्री नड़ी योजना के तहत किनवट शहर के अंदर बहुत अच्छी तरह से फिल्टर के पानी की बहुत बड़ी योजना आई है जिसकी कीमत 17 करोड़ है, और वो योजना को भी पूरी तरह अंजाम तक ले जाने में हमने पर्सनली सहकार्य किया, और क्योंकि ये जनता का मुद्दा है और आगे चल के 50 साल तक किनवट शहर के वासियों को फिल्टर पीने का पानी मिलेगा, घर घर मिलेगा, और पानी का जो प्रेशर है ये मैं समझता हूँ घर के ऊपर रखे हुए टाकियों में तक पानी आ जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े तीन पानी पीने के लिए होगा कि फिर ये इस्तेमाल करने के लिए भी होगा जैसा फिल्टर बता रहे आप। ये जो फिल्टर पानी आएगा ये पीना भी यही है और इस्तेमाल करना यही है, क्योंकि टाकिया और कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आने वाले 50 सालों में जितनी कैपेसिटी, जितनी लोक संख्या बढ़ेगी उसके हिसाब से कैपेसिटी है। आज की डेट में 10 साल तक तो पानी बेहिसाब मिलता रहेगा, जैसी लोक संख्या बढ़ेगी आगे 50 साल तक भी वैसा वैसा भी ये पानी हमें कम नहीं पड़ने वाला है। तो घरकुल का योजने का जो सवाल नंबर दो, इस काम के वजह से जो रास्ते फूटे हैं सीमेंट के, रास्ते फोड़ कर काली मट्टी ऊपर आ गई, बरसात के अंदर लोगों को अतोनात परेशानी भोगना पड़ा, और मैं हो सका वहां तक पर्सनल खड़े होकर रोड के ऊपर दो तीन लेबर लेके मैंने काली मट्टी झाड़ कर निकालने लगाई और साफ करने लगाया, हो सका वहां तक कुछ रेती कुछ मुरुम वो भी किया हूँ। और दोस्तों इसके लिए मैंने नगर अध्यक्ष से कई बार मैं विनंती किया हूँ कि मेरे प्रभाग के लिए मुझे रोड रिपेयरिंग के लिए कम से कम 50 लाख या 30 लाख का निधि दिया जाए, तो अध्यक्ष साहब ने आज तक मुझे, मैं ला रहा हूँ बजट ला रहा हूँ बिल्कुल तुम्हारे प्रभाग में भी डालेंगे, ऐसा करते करते यहाँ तक लाए, और आज मेरे प्रभाग में जैसे कि गोंड राजा सभागृह का विकास हो रहा है और दूसरे भी कुछ रोड बन रहे हैं, लेकिन ये उनके पर्पस के हिसाब से बन रहे हैं, और मैं सीधा आरोप करना चाहता हूँ कि ये पक्षपात हो रहा है, जबकि गलियों में लोगों को जहाँ पर चलना मुश्किल है वैसे जगह काम नहीं करते हुए, जहाँ पर जरूरत नहीं है आज की तारीख में वैसे जगह पर बजट लाकर खर्चा किया जा रहा है, वहां पर 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसा बजट लाकर जहाँ पर अत्यावश्यक नहीं है मैं ऐसे जगह खर्च किया जा रहा है। में ये भी चर्चा चल रही है कि जैसा कि बस स्टैंड से लेके ये गोपाल होटल तक जो रोड नालियां बनाई जा रही है इसमें ना पानी आता था पिछले टाइम पे, ना कचरा आता था, पूरी नालियां भूज चुकी थी, लेकिन फिर उसको दोबारा क्यों उठाया जा रहा, क्यों इसके ये बजट के बदले दूसरे काम का विकास हो सकता था, तो ऐसा किनवट की जनता कह रही है। मैंने अभी यही कहा है कि यहाँ पर जो सत्ताधारी है, भाजपा की सत्ता है यहाँ पर, उनके पास बहुमत है और यहाँ पर आमदार भाजपा का है और महाराष्ट्र के अंदर सत्ता है भाजपा की, इस पावर के तहत मनमानी कारोबार चालू है, इनको जहाँ समझ में आया वहाँ पर पैसा डाल रहे हैं ये लोग, और जहाँ पर आवश्यकता है, अभी कहा मैं कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर खर्च न होते हुए अनावश्यकता की जगह पर खर्च हो रहा है, ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। आपने एक निवेदन ये भी दिया था कि जो गांधीनगर बस्ती है जो नई बनाई गई है वीआर गार्डन के पास, वहाँ पर उनको लेट दी जाए, वो जो पोल जा रहा है उससे बड़ा तार जा रहा है तो केबल हटाया जाए, तो क्या आपकी मांग पूरी हुई? हाँ, मैंने वो जहाँ पर गांधीनगर के लोगों को पुनर्वसित किया गया संता नगर के भाग में, वहाँ पर 11 kV का एक हैवी लाइन का तार जो है सो उस गली के बीचों बीच से गुजर रहा था, और वो तार लूज होकर जहाँ पर लोग बेचारे टीन शेड बना रहे हैं उन टीन शेड के ऊपर 2-3 फीट के ऊपर ही था, तो उससे अवगत होकर कुछ लोग मरने का भी अंदेशा था। इस वजह से मैं पिछले 10 महीने से प्रशिक्षण कर रहा हूँ
एसडीएम साहब को लेटर, तहसीलदार को, मुख्याधिकारी, नगर अध्यक्ष, इन सबको लेटर दे दे के थक चुका था। इसलिए मैं पिछले 12/12/2022 को उपोषण की नोटिस दिया कि मैं इस तारीख को उपोषण बैठूंगा। तो उसको सीरियस लेते हुए एमएससीबी के लोगों ने परमिशन दे दिया, एमएससीबी डिपार्टमेंट ने, और जो है सो नगर अध्यक्ष ने भी उसकी नोंद ली और एसडीएम तहसीलदार ने भी नोंद लेते हुए वो काम को जो है सो मेरे मांगनी को पूरी किया। और वो वायर जो है सो आजकल के अंदर हट रहा है क्योंकि नए पोल बैठ चुके हैं सामने रोड से, और वो वायर जो है सो बहुत एक आज हट जाएगा या कल सवेरे हट जाता, वो मांगनी पूरी हुई और उसके अंदर मुझे कामयाबी मिली। थैंक यू।